खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत मां के सच्चे सपूतों की कहानियां लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। देश के लिए जान कुर्बान करने वालों को मौत नहीं आती, वो तो शहीद कहलाते हैं। तिरंगा झंडा इस धरती माँ पे दो ही जगह अच्छा लगता है, एक तो देश की चोटी पे और एक शहीद के सीने पे। वो जाते हैं तो आंसुओं के साथ मुस्कान छोड़ जाते हैं। उसके मन में क्या है पापा मम्मी के बारे में, उसी तरह थे हमारा जीवन, अभी भी उसी तरह है, उस दिन भी उस तरह हो गया। हम इतना खुलकर बात करते थे कि दोस्त भी आपस में वैसे बात नहीं कर सकते। बेबसी के बीच उम्मीद छोड़ जाते, मिसाल छोड़ जाते। देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे कंधे पर 3 थप्पी मार के कहता है, वारे मेरे बेटे कलयुगी भीम, तने 48 दुश्मनों को मारा है। मैं कहो है 48 को मारा? बोले आप सेंचुरी में 2 की कमी है, अभी तक मेरे बेटे तू नॉट आउट है। बोलो खुद मृत्यु को गले लगाते हैं, दूसरों के लिए जिंदगी छोड़ जाते हैं। कोई भी ऊपर इसके ऊपर नहीं आएगा, मैं इनसे टैकल कर लूंगा, ये उसका लास्ट वर्ड था। सबका मान रखे उन्होंने, अपना जान गवा दिए, लेकिन अपना हवलदार जो कमांडर था सुनील यादव, उसको बचा कर चले गए। वीर मरते नहीं, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। हम होने वाले नुकसानों से जिंदगी को नहीं आंक सकते, जो नुकसान होता है वो होता है। कितना हमारा कितना जन्म है हमें, उतना जन्म मेरे चाहिए, मुझे चाहिए उसको, इसी तरह प्रार्थना है मेरे मन में। आप जानते हैं कि हम सब गुस्से में हैं, हम दुखी इसलिए हैं कि हमने किसी अपने को खोया है, और गर्व इस बात का है कि वो हम में से एक था। आज जो पहली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो उस वीर की है जिसने आतंक के दांत खट्टे कर दिए थे। 26/11 के नायक, समूचे हिंदुस्तान के नायक, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। जल स्थल और आकाश तीनों एरिया में अकेले ऑपरेट कर सकता है, तब वो रियल कमांडो है। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि मेहमान, बंधक, होटल स्टाफ और निर्दोष लोग घायल न हों। हमें नहीं पता था कि संदीप वहां है। हमने फोन किया तो उनके सहायक ने बताया, साहब बाहर गया है। ये पूरा ऑपरेशन उसी तरह भी इधर बैठ के देखा था, संदीप उधर है मुझे मालूम नहीं। फिर भी हम दोनों प्रार्थना करके सोने के रेडी किए कि सभी लोगों का अच्छा रहना चाहिए, सभी जल्दी ये ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए। मेजर उन्नीकृष्णन, संदीप उन्नीकृष्णन, ये एक रियल कमांडो थे हमारे कंट्री के। ये गर्व के बारे में बोलने तो एक साधारण नहीं है ये संदीप के बारे में। गर्व के इस पल में भी दर्द तो होता ही है, तालियों के इस शोर के बीच भी तन्हाई होती है। सबसे बड़े सम्मान के साथ सबसे बड़े खालीपन का भी एहसास होता है। To be frank with you, I never मैं कभी डिटेल में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, वो मुझे बताता था। दरअसल वो बेहद अकलमंद था। हम दोनों खुलकर बात करते थे, एक दोस्त की तरह।
या मैं कहूँ कि दोस्त भी आपस में ऐसे बात नहीं कर पाते होंगे जैसे मैं और वो बात करते थे। मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि वो मेरे सामने कितना खुलकर बोलता था। अपने दोस्तों के मुकाबले वो मेरा ज्यादा दोस्त था। मेरे लिए नुकसान बड़ा है, बहुत बड़ा। That's worrying me. मेजर संदीप उन्नीकृष्णन 26/11 के ऑपरेशन के बाद पूरे देश के लिए हीरो बने, लेकिन अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों साथियों के लिए वो हमेशा ही एक हीरो थे। पढ़ाई लिखाई या इवन स्पोर्ट्स में अगर कुछ हम लोग मुश्किलें फेस करते थे तो ही यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू कम एंड हेल्प अस आउट। इट इज पक्का संदीप, यू जस्ट अ गो गेटर। संदीप जब स्कूल में पढ़ते थे तब से सैनिकों जैसा हाव भाव रखते थे, यहां तक कि उनकी हेयर स्टाइल भी सैनिकों वाली ही थी। कुछ और बड़े हुए तो तय कर लिया कि आर्मी में ही जाना है। क्योंकि संदीप इकलौते बेटे थे, शुरू शुरू में माँ बाप को यह ख्याल पसंद नहीं आया, लेकिन बेटे की जिद के आगे उनकी एक न चली। 12 जुलाई 1999 को संदीप बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हो गए। उन्होंने भारतीय सेना की कमांडो ट्रेनिंग हासिल की और उसमें अव्वल रहे। इसे दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग कहा जाता है। 1999 जून 12 को उसको कमीशन हो गया, हम दोनों उधर गया। उधर जाने के बाद उस दिन संदीप का एक फ्रेंड थे उधर, उसको पेरेंट्स नहीं आया पिपिंग करने के लिए। कमीशन के दिन ऑफिसर आने का, हम पेरेंट्स जाने का था। किसी भी सीजन में, कोई भी डेट में, कोई भी ईयर में अगर वो कार्रवाई कर सकता है कोई भी टेरेन में, वो कमांडर होता है। मेजर उन्नीकृष्णन, संदीप उन्नीकृष्णन, ये एक रियल कमांडो थे हमारे कंट्री के। संदीप जम्मू कश्मीर और राजस्थान में तैनाती के दौरान काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का हिस्सा रहे और जनवरी 2007 में उन्हें एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के स्पेशल एक्शन ग्रुप के लिए चुन लिया गया। 21 SSG एक कमांडो बटालियन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, जो एनएसजी बना है। भारत में कहीं पर अगर इस टाइप का स्थिति आता है, जहां पर आप देखेंगे पठानकोट अटैक हुआ, एनएसजी के थे। बॉम्बे में 2008 में कसब का अटैक हुआ, 10% लश्कर ए तैयबा का अटैक हुआ, एनएसजी गए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को हम सब ने जाना मुंबई हमलों के बाद, लेकिन मुंबई हमलों में उनकी बहादुरी को समझने से पहले उनकी जिम्मेदारी को समझना होगा, उनकी भूमिका, उनकी ट्रेनिंग, उनका समर्पण। एनएसजी के जिस 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का वो हिस्सा थे, वो एक आतंक निरोधी दस्ता है। ये क्लोज क्वार्टर बैटल में सक्षम होता है, यानी जब न ये पता हो कि दुश्मन कितना करीब है, कहां छिपा है या कब हमला कर देगा, तब भी उसे चित करने की काबिलियत रखना। अचानक हमले को झेलने के लिए, निरस्त करने के लिए इस ग्रुप के पास खास ट्रेनिंग होती है। एक चीज साफ होती है सबके लिए, जो भी उसमें होते हैं उस वक्त, कि देखिए भाई, जब आप ऑपरेशन में जाएंगे तो आप एक तो लॉस्ट रिजॉर्ट हैं गवर्नमेंट के, आपके पास तो कोई है नहीं, तो आपने ये अंजाम देना है। और जहां तक मौत का सवाल है, जब आप ऑपरेशन में जाते हैं, आपकी मौत ना हो ये तो अलग बात है, लेकिन डेथ, एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, डेथ इज ए सर्टेनिटी, भाई आप मर सकते हैं। एसएजी की एक टुकड़ी में 5 कमांडो होते हैं जो जोड़ियों में आगे बढ़ते हैं। एक बंदूक ताने सामने की ओर 180 डिग्री, दूसरा पीछे की ओर बंदूक ताने हुए पूरी नजर रखता है। इस हमले में प्रतिक्रिया का वक्त बहुत कम होता है, इसीलिए निशाना सटीक होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन अलर्ट रहता है, निशाना लगाए बैठा रहता है। ऐसे ऑपरेशन में सबसे मुश्किल होता है ये जानना कि दुश्मन किस जगह पर छिपा है और वहां सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा। On 26th, 26th itself, no, he
26 को उसने रात 11 सवा 11 बजे फोन किया। उसने कहा, डैड कुछ सीरियस हो गया है मुंबई में, महाराष्ट्र एटीएस के चीफ की हत्या हो गई है, कुछ बहुत सीरियस है। उस वक्त उसने ये नहीं बताया कि वो भी वहीं जा रहा है। घातक दस्ते की ऐसी खासियत की वजह से ही मुंबई की उस सबसे कठिन घड़ी में उन्हें बुलावा भेजा गया था। जब तक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एनएसजी की टीम के साथ मुंबई पहुंचे, तब तक शुरुआत के सबसे अहम 10 घंटे निकल चुके थे। ताज होटल एक ऐसी इमारत थी जिसके भीतरी हिस्से से टीम में कोई वाकिफ नहीं था। रेकी करने के लिए उनको मैप चाहिए, उनको उनका स्केच चाहिए, उनको उनका अंडरग्राउंड में जो रूम्स है वहां पर जाने का रास्ता चाहिए, हर एक फ्लोर को जाने के लिए। उसमें से जो 4 मिलिटेंट्स है, डेफिनेटली उसमें से एक को पूरा होटल का जानकारी था, तो हम लोग गैलीज का और कहते हैं जो अपना कॉरिडोर्स होते हैं, जो नॉर्मल रूट्स होते हैं, उनका यूज़ कर रहे थे। बट दे वर गोइंग थ्रू दी सीक्रेट पैसेजेस, जो एसी डक्ट्स होते हैं उसमें से जाके, एंड इससे पहले हम वहाँ पहुँचते वो लोग कहीं और पहुँच जाते थे। बड़ी चुनौती ये थी कि होटल का कोई नक्शा उपलब्ध नहीं था, कितने आतंकवादी भीतर थे ये मालूम नहीं था, किस कमरे में कितने लोग थे या मेहमानों में कोई बंधक था, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी। उस पर होटल के अंदर बिल्कुल अंधेरा और आतंकियों की वक्त वक्त पर लगाई आग से त्राहिमाम। Apart from AK-47 का ammunition था, grenades भी काफी थे उनके पास, and plastic bomb जैसा आप बोल रहे हैं, वो basically अपना improvise कर रहे थे, अपने bombs बना रहे थे, उन्होंने ID भी लगाया था वहाँ पे। लेकिन जब स्थिति मुश्किल होती है, तभी सर्वश्रेष्ठ योद्धा को बुलावा भेजा जाता है। 27 नवंबर को अलग-अलग रास्तों से 14 NSG कमांडो ताज होटल के भीतर दाखिल हुए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी हिट टीम के साथ नीचे की मंजिल से सीढ़ियों के जरिए फर्स्ट फ्लोर का रुख किया। ये पूरा ऑपरेशन उसी तरह इधर बैठ के देखा था, क्योंकि उसके साथ बात करने का है ना, संदीप उधर है मुझे मालूम नहीं है, फिर उसके साथ बात करने के अच्छा होगा, इसलिए मैं 27 पूरा इधर करती थी। रात के करीब 1 बज चुके थे। मेजर उन्नीकृष्णन की टीम में उनके अलावा सुनील जोधा, मनोज कुमार, बाबूलाल और किशोर कुमार थे। ताज होटल में प्रवेश के कई रास्ते हैं। एक मुख्य एंट्रेंस है जहां से 26-11 के आतंकी होटल के भीतर दाखिल हुए थे। दूसरा हेरिटेज विंग का हिस्सा है जहां पर टाटा के संस्थापक की एक मूर्ति लगी हुई है। वहां पर एक विशाल सा स्टेयरकेस है। यहां पर सीढ़ियों के जरिए हेरिटेज विंग के कमरों तक पहुंचा जा सकता है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी टीम इसी हिस्से से दाखिल हुई थी। हमले के शुरुआती घंटों में होटल के सीसीटीवी कैमरे से यह अंदाजा था कि कम से कम 3 आतंकवादी होटल में हैं, पर वो लगातार एक कमरे से दूसरे कमरे, एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाकर सुरक्षा बलों को उलझाने की कोशिश में लगे हुए थे। ऊपर से होटल के अंधकार में डूबे होने के कारण आतंकियों की सही पोजीशन का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन था। जो ताज पैलेस था, ताज पैलेस छोटा वाला बिल्डिंग है
और वो काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, इट इज़ नॉट लाइक अ कन्वेंशनल न्यू होटल। उसमें लाइट बिल्कुल नहीं था, रात को मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे तो जो ताज टावर है लगने वाला है उसमें पूरा लिटन था, इट वॉज पूरा लाइट था। जो छोटे वाला बिल्डिंग था ताज पैलेस उसमें लाइट नहीं था, तो वेरी डिफिकल्ट टू मूव ड्यूरिंग नाइट। अमूमन ऐसी परिस्थितियों में अगर आतंकियों को बाहर निकालना है तो कमरे में ग्रेनेड फेंका जाता है और फिर दाखिल होकर तलाशी ली जाती है। लेकिन यहाँ तो आतंकी किसी भी कमरे में हो सकते थे और उनके साथ न जाने कितने आम लोगों के होने की गुंजाइश थी। आतंकी कर रहे थे कमरों के अंदर या पब्लिकली, हम ग्रेनेड से फायरिंग इसलिए नहीं कर रहे थे, ग्रेनेड इसलिए नहीं फेंक रहे थे आतंकवादियों के ऊपर क्योंकि उसके अंदर हमारे आम भाई आम लोग भी फंसे हुए थे और ना ही हम ब्रस्ट फायर कर रहे थे ना ही हम फायरिंग कर रहे थे। हम सबसे पहले हमारा काम ही रहता है आतंकवादी को पहचानना। मेजर उन्नीकृष्णन अपनी टीम में सबसे आगे चल रहे थे, यानी सामने से आतंकी की हर गोली की ढाल बने हुए थे संदीप। पहली मंजिल पर एक एक कर सभी गेस्ट रूम्स का दरवाजा खटखटाया, जिन कमरों में गेस्ट थे उन्हें बाहर निकलने में मदद की, डरे सहमे 14 लोगों को मुक्त कराया। होस्टेज छुड़ा लिया था हमने, लेकिन जब ताज पैलेस में कोई होस्टेज नहीं था उस टाइम और वो लोग छुप गए थे आगे वसाबी में। जैसे ही हिट टीम अगली मंजिल की ओर बढ़ने लगी, अचानक ऊपर से गोलियों की बौछार आ गई। कमांडो दीवार की ओट लेकर बच तो गए, पर वो समझ गए थे कि आतंकियों ने उन्हें देख लिया है। आतंकी बेहतर स्थिति में थे, उन्होंने एनएसजी कमांडोज की परछाई देख ली थी और ऊपर तक आने का इंतजार किया था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने इशारे से सुनील और बाबूलाल को बाएं तरफ की सीढ़ियों से चढ़ने के लिए कहा, पर तभी दरवाजे के पीछे से एक ग्रेनेड आकर वहां पर गिरा। लेकिन ये कमांडोज भी जान हथेली पर लेकर निकले थे, वो आगे बढ़ते रहे। अपने दो कमांडोज के कवर फायर की मदद से मेजर उन्नीकृष्णन गोली की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तभी एक दूसरा ग्रेनेड गिरा। इस बार विस्फोट में कमांडो सुनील जोधा बुरी तरह जख्मी हो गए। यह फैसला कठिन था, पर मेजर उन्नीकृष्णन जानते थे कि जितने ज्यादा साथी आगे बढ़ेंगे आतंकियों को पता चलने का उतना ही खतरा रहेगा और उतने अधिक जानों के जाने की आशंका भी होगी। उन्होंने बाबूलाल से सुनील को उपचार के लिए वहां से ले जाने को कहा और अकेले आतंकियों से लोहा लेने आगे बढ़ गए। दूसरी मंजिल तक पहुंच चुके मेजर संदीप ने अपने साथियों से कहा कि वो लोग ऊपर ना आए, वो खुद संभाल लेंगे। ऊपर बताना, मैं संभाल लूंगा। उस वक्त किसी को एहसास नहीं था कि आतंकियों की एक गोली उनके हाथ में लग चुकी है। सेट के ऊपर बोला, अब जो रेडियो सेट एक चैनल के ऊपर काम करते रहते हैं, अब जो कमांडो की टुकड़ी है सबसे पहले जो साथी जिनको गोलियां लगी हुई हैं इनको बचाओ। मैंने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और मैं किसी भी आतंकवादी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा और मैं इनको सबको मौत के घाट उतारूंगा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप जो अपने जवानों को जिनको गोलियां लगी जिन कमांडो को, इनको यहां से निकालो और इनको फर्स्ट एड के लिए बाहर भेज दो, उसके बाद आप आगे बढ़ना। मैं इन जो आतंकवादी हैं इनके ऊपर अकेला ही बहुत हूं। अपनी MP5 बंदूक को सीने के आगे ताने उन्नी बेहद सावधानी से आगे बढ़ते रहे, पर चूंकि उन्हें कवर देने के लिए उनका कोई साथी उनके साथ नहीं था इसीलिए खतरा बड़ा था। अगर मेजर उन्नीकृष्णन लौट जाते तो आतंकियों से चूहे बिल्ली का खेल एक बार फिर शुरू करना होता, क्योंकि अभी उन्हें लगभग एहसास था कि आतंकी किस दिशा में और किस मंजिल से उनकी टीम पर हमला कर रहे थे। संपर्क तोड़ने का मतलब होता ये ट्रेल ही टूट जाएगी। संदीप दबे पांव अब होटल की चौथी मंजिल तक पहुंच चुके थे, जहां एनएसजी की दूसरी हिट टीम के कमांडो राजवीर सिंह मौजूद थे। उनकी टीम होटल की छत से छठी और पांचवी मंजिल से होते हुए फोर्थ फ्लोर तक पहुंची थी। जानकारी दी गई थी कि कमरा नंबर 471 संदिग्ध है और आतंकियों के भीतर होने की आशंका थी,
ये तो बड़ा मुश्किल है कि कहीं जी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक ऐसा रूट और एक ऐसी डायरेक्शन से जाया जाता है जिससे कम आपको कोई ऑब्जर्व कर सके और आपको डायरेक्ट आपके ऊपर फायर कर सके। दूसरा क्या होता है कि जब हमें पता है कि एक्स कमरे में वो हैं और हमें देख रहे हैं और हमारी टीम ने जाना है, तो उनको एंगेज कर देते हैं। कैसे? स्नाइपर फायर से उनके ऊपर उनका ध्यान जो है वो हटाया जाता है। कमांडोज को इस ऑपरेशन के लिए मास्टर की दी गई थी ताकि सभी कमरों के दरवाजे खोले जा सके। एक कमांडो दरवाजा खोलता, दूसरा बंदूक तानकर बिल्कुल पोजीशन में रहता ताकि अगर आतंकी सामने हो तो उसके हमला करने से पहले उसे ढेर कर दिया जाए। मेजर संदीप अपनी MP5 को पोजीशन में रखते हुए दरवाजे पर निशाना साधे खड़े थे। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में से होटल के कुछ मेहमान निकले। अब हमले की जगह उनका बचाव हिट टीम की प्राथमिकता बन गया। लेकिन जो ही उन्हें निकाला गया, कमरे के भीतर से गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। इस गेस्ट रूम के भीतर अंदर की तरफ एक छोटा सा कमरा और था जहां पर आतंकी छिपा हुआ था। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, इसीलिए जब गोलियां बरसनी शुरू हुई तो सब चौंक गए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सामने खड़े रहे, गोलियां उनको भेदती रहीं, पर वो अपने साथियों की ढाल बनकर मुकाबला करते रहे। हम प्रार्थना करके, मुझे मालूम नहीं ये संदीप उधर है, मुझे मालूम नहीं, फिर भी हम दोनों प्रार्थना करके सोने के रेडी किया कि सभी लोगों का अच्छा रहना चाहिए, सभी जल्दी ये ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए। संदीप उधर नहीं है ये मालूम नहीं है, फिर भी हम सभी लोगों के लिए उस तरह प्रार्थना करके हम सोने के रेडी किया। फिर उस समय संदीप नहीं होगा, वो हमें मालूम नहीं थे। जिन लम्हों में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन वीरगति को प्राप्त हुए, उस वक्त ऑपरेशन अपने चरम पर था। किसी को एहसास नहीं था कि उनके जैसे दिलेर अफसर को भी कुछ हो सकता है। वायरलेस पर उनसे संपर्क करने की भी कोशिशें होती रही। Sierra 5, this is Sierra 1, come in, over. और उनके मोबाइल पर भी। लेकिन ऑपरेशन पूरा होने की अगली सुबह तक किसी को पता नहीं चल पाया था कि मेजर संदीप नहीं रहे। मेरे साथ मेरे साथी थे और हमारे साथ जो हमने बात किया कि इसका कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो हमने लगातार रेडियो सेट के ऊपर हमने कॉल करने की कोशिश की, तो रेडियो सेट से कोई हमें उस रेडियो नंबर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो हमें कुछ अंदाजा लगा कि इसमें कुछ न कुछ घटना है। तो हमने खुद वहाँ डिसीजन लिया, हमारी टीम ने डिसीजन लिया और हमने बाहर के कमांडरों को भी नहीं बताया, हम इसके बाद मोबाइल फोन से संपर्क करेंगे और हम सबसे पहले मेजर उन्नीकृष्णन के साथ में जहाँ पर मुठभेड़ हुई है उस एरिया का सर्चिंग करेंगे। As such, I had a... मुझे लग रहा था कि वो वहाँ हो सकता है, लेकिन कोई तरीका नहीं था इस बात को कंफर्म करने का। न्यूज आई अगले दिन, तो मैंने एक करीबी को फोन किया। उसने मुझे बताया कि संदीप वही है, लेकिन चिंता मत करो, वो वापस आ रहा है। मैंने कहा मैंने न्यूज में देखा है, तो वो बोले कि चेक करता हूँ। फिर उन्होंने कभी कॉल नहीं किया। तब तक आर्मी हेडक्वार्टर और NSG हेडक्वार्टर से कॉल आ गई थी। NSG हेडक्वार्टर्स भी रिसीव्ड द कॉल एंड देन दे कंफर्म इट। दैट्स हाउ इट हैज हैपेंड। उस सुबह मुंबई दोबारा सांस ले रही थी। 26 नवंबर से बिलों में छिपकर आतंक मचा रहे दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया था। ओबेरॉय होटल, चबाड़ हाउस के बाद ताज होटल से भी आतंकियों के सफाई की पुष्टि हो चुकी थी और समूचा देश शहीदों के आगे नतमस्तक था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का पार्थिव शरीर उनके घर बेंगलुरु पहुंच चुका था। उस रोज जो लोग उनके अंतिम दर्शन को एकत्रित हुए थे, वो उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनमें से अधिकतर तो शायद कभी उनसे मिले भी नहीं थे, पर सबकी आंखें नम थी, सबके चेहरे पर गर्व था।
वो सुनकर आपको लगेगा कि किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी है, जहां पर हीरो को गोलियों पर गोलियां लगती रहती हैं, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहता है, मुकाबला करता है, 48 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारता है, फिर तिरंगा लहराकर वापस जिंदा लौट आता है। फर्क सिर्फ इतना है, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है। ये कहानी है महावीर चक्र विजेता नायक दिगेंद्र कुमार सिंह। विशेष बहादुर कौन है जो इस तरीके को वॉलेंट होकर के ने अल्कोहलिक पर फहरा दी? हमारी बटालियन को बोला आपको 48 घंटे का टाइम दिया जाता है कारगिल पहुंचने के लिए। कर्नल रविंद्र नाथ आकर के ये बोलता है कि ए टू राजनीम के बहादुर और बब्बर शेर जवानों, आज हमारे को युद्ध भूमि में हिंदुस्तान की धरती ने हमारे को कारगिल में पुकारा है। जब तक तोलोलिन की टाट पर तिरंगा नहीं फहरेगा, जब तक नाश्ता का मजा नहीं आएगा। बोल बजरंगबली राजा रामचंद्र की जय। ओ और हमारे वाले ने अटैक बोल दिया। मेरे जो 9 साथी थे उन्होंने 30 आदमियों को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वर्ण का चक्रवर्ती राज भी मुझे मिलता तो भी इतनी खुशी नहीं होती जितना वो तिरंगा झंडा गाड़ कर पहली जीत, हिंदुस्तान की पहली कामयाबी तोलोलिन टॉप पे। मेरे पापा हमेशा कहते थे बेटा युद्ध भूमि के अंदर वीर वही होता है जिसके अंदर दिमाग होता है, बलवान वही होता है जो बुद्धिमान होता है। दिगेंद्र कुमार सिंह उर्फ कोबरा, जिनके नाना स्वतंत्रता सेनानी और जिनके पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा थे। 47-48 के युद्ध में उनके पिता शिवदान के जबड़े में 11 गोलियां लग गई थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। यही संस्कार उन्होंने अपने बेटे को दिए और सेना में भर्ती होने को प्रेरित किया। 1947-48 में मेरे पापा के कई गोलियां लगी थी और मुख में भी गोलियां लगी थी, तो उनके यहाँ सांस की नलकी के पास में गोली थी जो ऑपरेशन के दौरान उसे ऑपरेशन से बाहर नहीं निकाली थी। जब मैं बचपन में छोटा था तो कभी कभी उन गोलियों को पकड़ लेता था, तो पकड़ते मेरे पापा ये कहते थे दिगेंद्र बेटे ये दुश्मन की गोली है। मैं बोला पापा दुश्मन क्या होता है? बोले जब तो आप सेना में जाओगे जब आपको दुश्मन का पता चलेगा। तो उसी दिन से मेरे जुनून हुआ कि मेरे पापा की गोली मारी, मैं इस गोली का बदला कैसे लूं। हमें हमेशा ही प्राउड फील होता है कि हाँ कि हमारे पिताजी ने एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत ही बेहतरीन कारनामा करके दिखाया है, तो हमें लगता है कि ये अदम्य साहस का परिचय दिया है। दिगेंद्र को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान करगिल युद्ध में मिला, पर अपनी बहादुरी से रुतबा तो वो पहले ही कमा चुके थे। 16 साल की उम्र में टू राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए और 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF के साथ श्रीलंका जाने का मौका मिला। श्रीलंका जो पवन ऑपरेशन था उसके अंदर हमारी ग्रुप की 5 राजरे बटालियन थी, तो उनकी कैजुअल्टी होने की वजह से तो हमारी बटालियन की एक कंपनी को एक प्लाटून को वहां बुलाया था, तो उस प्लाटून में मैं भी गया था। श्रीलंका में LTTE के खिलाफ इस संघर्ष में ही दिगेंद्र को उनका निकनेम कोबरा मिला। श्रीलंका के जंगलों में जनरल साहब के पीछे पीछे गाड़ी जा रहे थे, तो एक पुलिया थी ऐसे जिसके नीचे से पानी बहने वाली पुलिया, उसके नीचे उग्रवादी घुसे हुए थे, और जनरल साहब की जैसे ही गाड़ी आई तो उन्होंने उग्रवादी बाहर निकल के जनरल साहब की गाड़ी पे इस प्रकार से ग्रेनेड फेंका। उन्होंने वो ग्रेनेड फेंका और फेंकते मैंने उसको ऐसे कैच किया, कैच करते ही मैंने वो जो LTTE था उसी के सिर में वापस मार दिया और अपनी गाड़ी में लेट गया। वहीं वो बड़ा आमदे जैसे ही फटा वो LTTE की गर्दन तो उड़ गई और वो धड़ 1-2-3 सेकंड बाद में जमीन पर गिर गया। ये वाकया जनरल साहब ने देखा था और वो वहां से फायरिंग शुरू हो गया। जनरल साहब हम रुके नहीं, 10-15 किलोमीटर तक रुकने के बाद में हमने वहां दूसरा ऑपरेशन कराया। वो कमांडर ने मैं मेरे को वहां उतरते बोला ये कौन सा बेटा था जिसने LTTE का ग्रेनेड LTTE को ही मारा? या वो मेरे
सीनियर आदमी थे, बोले सर अपना दिगेंद्र है ये। बोले दिगेंद्र नहीं हमारा, बोले ये तो दिगेंद्र नहीं है, तो कोबरा से भी खतरनाक है। तो उस टाइम पे जनरल कलकट ने मुझे कोबरा कहा। जितना समय दिगेंद्र ने भारतीय सेना में बिताया, उतने ही किस्से उनके नाम के साथ जुड़ते चले गए। 1993 में उनकी बटालियन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थी। वहां तैनाती के दौरान दिगेंद्र ने एक बड़े आतंकी संगठन के एरिया कमांडर मजीद खान को मार गिराया था। जिसके लिए उन्हें सेना मेडल प्रदान किया गया था। मैं कमांडर के पास गया तो उन्होंने बोला दिगेंद्र यहाँ उग्रवादी आया था। मैंने उसका पीछा किया और उसको काफी ऊपर ले जा करके पहाड़ी पर, उसके बाद मेरा मुकाबला शुरू होगा उसे मल युद्ध की तरह। और मैंने उसको दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ के और उसकी छाती के अंदर कूड़ी बैठा के टेटवा दबा के उसको वही खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर में हजरत बल दरगाह के ऑपरेशन में भी दिगेंद्र सिंह की भूमिका रही थी। अपनी बहादुरी के लिए उन्हें प्रशंसा पत्र दिया गया था। इसी तरीके से अपनी वीरता का परचम लहराते हुए दिगेंद्र सिंह को 13 साल हो चुके थे सेना में जब करगिल युद्ध छिड़ा। दिगेंद्र की यूनिट 2 राजपुताना राइफल्स उस वक्त कुपवाड़ा में थी जब उन्हें 24 घंटे में करगिल पहुंचने का आदेश दिया गया। हमारी बटालियन को बोला आपको 48 घंटे का टाइम दिया जाता है कारगिल पहुंचने के लिए। तो हमारी बटालियन कमांडर कर्नल रविंद्र नाथ आकर के ये बोलता है कि ए टू राजदीप के बहादुर और बब्बर शेर जवानों, आज हमारे को युद्ध भूमि में पुकारा भारत ने। अक्लमटाइजेशन यानी वातावरण में ढलने के लिए महज एक दिन का वक्त मिला। तोलोलिंग पर चढ़ाई के लिए तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने खुद घुमरी में बैठक की और ऐसा बहादुर कमांडर कौन है टू राजदीप के अंदर। वैसे सभी बहादुर हैं, लेकिन विशेष बहादुर कौन है जो इस तिरंगे को वॉलंटियर होकर के ने और तोलोलिंग पे फहरा दी। और मैंने बोला वो सर जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार, सेना मेडल ऑफ टू राजदीप उर्फ कोबरा। बोले हाँ बेटे कोबरा, तने 13 मई को 4 उग्रवादी बजा के मारे वही लड़का है ना तू कोबरा। वो ये सर हालात ऐसा है। एक सिपाही के ऐसे जज्बे ने जनरल मलिक का दिल जीत लिया, पर वो ये जानना चाहते थे कि ये केवल एक योद्धा का जुनून है या फिर दिगेंद्र के पास कोई योजना भी है। पहले मैंने प्लान बताई थी मेरे कमांडर को कि सर मैं इस प्रकार से मतलब तोलोलिंग पैसे चढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कैसे, मैं जनरल साहब को बताता हूँ। तो जनरल साहब ने मेरी पूरी प्लान बता दी मेरे कमांडरों ने। दिगेंद्र को उनकी जरूरत का सारा सामान देने के लिए हामी भर दी गई। वो घातक टीम के कमांडर थे और उनके कमांडिंग अफसर थे मेजर विवेक गुप्ता। पर दिगेंद्र जैसे अनुभवी और बहादुर सिपाही के नाम भर से पूरी पलटन में हौसला भर जाता था। रात के सन्नाटे में या तो बर्फ की कपकपाहट थी या फिर सन्नाटे को चीरते धमाकों की थरथराहट। कील ठोकते, रस्सियां बांधते सैनिक आगे बढ़ रहे। आखिरकार इस टुकड़ी ने अपना काम पूरा कर लिया। 14 घंटे में रस्सा बांध के नीचे आ गए, अपने कमांडर को बता दिया मैंने। तो जनरल मलिक साहब से मेरी बात हुई सीधी डायरेक्ट। बोलता मगो सर आपका सिपाही असेंबली में बम फेंक दिया है। बोले वाह मेरे बेटे, तुझे 48 घंटे पहले हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो। अगर तू ये तिरंगा झंडा फहराता है, 13 जून को तिरंगा झंडा फहरता है, तो तेरा नाश्ता मैं खुद जनरल मलिक अपने हाथ से तेरे को नाश्ता कराऊंगा तोलोलिंग पे। मैं को जनरल साहब आपके नाश्ता का ये छोटा सा सिपाही इंतजार करेगा। जनरल मलिक इस कारनामे से बहुत उत्साहित हुए थे। दिगेंद्र ने बताया कि काम शुरू होने से पहले ही उन्होंने बधाई दे दी थी। एक आर्मी चीफ का एक सैनिक से इस तरह से बातचीत करना सामान्य नहीं है। ये अपने आप में बताता है कि वो दिगेंद्र के आत्मविश्वास से किस कदर प्रभावित थे। काफी घमासान लड़ाई के बाद में, जिसमें हैंड टू हैंड फाइटिंग भी थी, ये हमने जीती। उसके बाद में मुझे विश्वास हो गया कि अभी हमारे जवान जो हैं वो आगे की पहाड़ियों के ऊपर भी विजय हासिल कर सकते हैं।
12 जून की रात तोलुलिंग पर फाइनल चढ़ाई की योजना थी। तोलुलिंग को मुक्त कराने के लिए मेजर विवेक गुप्ता की कमांड में नायक दिगेंद्र कुमार सिंह, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सूबेदार सुरेंद्र सिंह राठौड़, लांस नायक जसवीर सिंह, नायक सुरेंद्र, नायक चमन सिंह, लांस नायक बच्चू सिंह, सीएमएच जसवीर सिंह और हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया पर जिम्मेदारी थी। मेरे साथ में जो मेजर विवेक गुप्ता थे, सुबेदार भंवरलाल थे, सुबेदार सुमेर सिंह राठौड़ थे, सीएचएम जसवीर सिंह था, हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया था, नायक चमन सिंह था और लैस नायक बच्चन था और राइफलमैन जसवीर सिंह थे। ये मेरे 9 साथी थे जो मेरे से भी बहादुर और खूंखार कमांडो थे। तोलुलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तान ने 11 बंकर बना रखे थे। हमेशा की तरह पहले आक्रमण के लिए दिगेंद्र ने ही वॉलंटियर किया। उन्होंने कहा कि पहला और आखिरी बंकर वो खुद उड़ाएंगे। उस टाइम पे मैंने कहा, मैं को भाई मैं घातक प्लाटून का प्लाटून होल्डर हूँ, कहने मतलब आप सभी सीनियर हो मेरी प्लाटून में, अभी लड़ाई के मैदान में आए हो, तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं पहले बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो सुबेदार भंवरलाल भाकर बोलता है दूसरे को मैं करूंगा दिगेंद्र, और सीएचएम यशवीर बोलता है तीसरे को मैं करूंगा। तो इतनी देर में हमारा कंपनी कमांडर था जो मेजर विवेक गुप्ता, वो बोलता है ओए जाटो एक बाणिया भी बब्बर शेर है, ये भी बोले चौथा बैंकर को बर्बाद करेगा, और उन्होंने चौथा ऐसे करके हम 9 के 9 बैंकर 10 बैंकर डिटेल हो चुके हमारे। ये बैंकर डिटेल होने के बाद मैंने बोला मो दोस्तों हम 10 के 10 ये बैंकर उठा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे में से कोई उठ जाता है या बैंकर बच जाता है तो वो बचे हुए बैंकर को वो बर्बाद करेगा। बोले ओके डन। रात के 8:30 बजे थे जब अंधेरे की चादर ओढ़कर टुकड़ी उस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी। हड्डियों को गलाती बर्फीली हवाएं चल रही थी और इस चुभती सर्दी में रस्सी के सहारे जवान अपने मिशन की ओर बढ़ रहे थे। उसके बावजूद मैं जैसे एक साथ में 1K47 लिए हुआ था और ये हाथ फिरी था, घूमता घूमता दुश्मन के बैंकर के नजदीक पहुंचा तो वो बैंकर के चारों तरफ सफेद सफेद बर्फ थी और वो काला काला बैंकर का जो झांकी थी लूपोल वो काला दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि ये कोई पत्थर है, इसको पकड़ ले, और मैं जैसे ही उसमें ऐसे हाथ डाला दुश्मन की UMG की बैरल मेरे हाथ में आ गई और मैंने अपनी तरफ जैसे ही खींचा उसने फायर कर दिया दुश्मन ने। तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरे यहाँ लगी सीने में और उसके बाद 2 गोली मेरे 1K47 में लगी। ये लगने के बावजूद मैंने छूट का ये मैंने तत्काल हैंड ग्रेनेड निकाला और लीवर को पाड़ा और उस बैंकर के अंदर ऐसे 1-2 और अंदर डाल दिया। दुश्मन के इतना करीब गोलियों से छलनी और हाथ से मशीन गन भी छूट चुकी थी। दिगेंद्र को जल्द ही कोई ऐसी योजना सोचनी थी कि मिशन फेल ना होने पाए। मैंने तत्काल हैंड ग्रेनेड निकाला और लीवर को पाड़ा और उस बैंकर के अंदर ऐसे 1-2 और अंदर डाल दिया दुश्मन के बैंकर के। जैसे ही अंदर डला डलते ही वो ग्रेनेड फटा, पहला बंकर नष्ट हो गया। दिगेंद्र ने अपना वादा निभाया था लेकिन अब बाकी की कार्रवाई में तेजी की जरूरत थी क्योंकि दुश्मन अलर्ट हो चुका। फिर उनके बैंकर के अंदर उनके 30 आदमी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने एकदम से 30 थे 28 थे 29 थे वो सभी आदमी एकदम से हमला बोलिया, बोले याली दुश्मन का चौथा हमला भी हम फायर करेंगे काप्रो, और उन्होंने फायर शुरू कर दिया। फायर कर दिया था अपना सुबेदार भंवरलाल मेजर बेगम था, वो तो बोले याली, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली राजा रामचंद्र की जय, और हमारे वाले ने अटैक बोल दिया। अभी मेरे साथियों किसी के 10 की 15 और काफी गोलियां लगी और मेरे जो 9 साथी थे उन्होंने 30 आदमियों को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। चोटी तक पहुंचने में टुकड़ी को एक भी कैजुअल्टी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब जब दिगेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका कलेजा तार तार हो गया। ऐसे करते करते सुबह तक दुश्मन के 11 के 11 बैंकर उड़ा दिए मैंने और मेरे एक एक साथी
कोई घंटे में शहीद होगा, कोई आधी घंटे में, कोई 20 मिनट में। मेरा लास्ट साथी सुल्तान सुमेर सिंह राठौड़ था, जो सुबह उसके 4 बजे गोली लगी। कमांडिंग अफसर मेजर विवेक गुप्ता समेत सभी साथियों को दुश्मन की गोलियां भेज चुकी है। 4 बंकर नष्ट हो चुके थे, पर मिशन पूरा नहीं हुआ था। नायक विजेंद्र सिंह के पास हथगोले थे, कटार थी, और उनके साथी सूबेदार राठौड़ ने अपनी बंदूक उन्हें थमा ली। तो मेरा एक साथी लहजनायक बच्चे बोलता है, कोबरा आलम जी ले ले सर, कोबरा सर, दिगेंदर सर, आलम जी ले लो। तो मेरे पास हथियार था ही नहीं, मैंने उसकी आलम जी ली और अन्वेषण लिया, और लेकर के जैसे पहाड़ी को ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, और मेजर अनवर खान वो दोनों बैरलों के बीच मुझे काला काला दिखाई दिया। सामने से पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व कर रहा मेजर अनवर खान बार बार चुनौती दे रहा था। दिगेंद्र तेजी से सोच रहे थे कि उनका अगला दाम क्या होना चाहिए। तोलोलिंग का ऑपरेशन एक बार फिर हिंदुस्तान के लिए नामुमकिन साबित होने लगा था, लेकिन दिगेंद्र ने तो जैसे ये शब्द सुना ही नहीं था। उनके जख्मों से खून बह रहा था, उन्होंने ड्रेसिंग की ताकि खून रुक जाए और उसके बाद अगले बंकर की तरफ बढ़े। उस टाइम पे जब मैं दुश्मन के एक एक बैंकर को उड़ा रहा था, तो मेजर अनवर खान मुझे गाली निकाल रहा था, और वो कह रहा था, ओए हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल। मैं कहूं मैं के कुत्ता हूं, बाहर निकलूंगा। दिगेंद्र छिपते छिपाते एक एक कर हर बंकर की ओर जाते, ग्रेनेड फेंक कर नष्ट करते हुए बढ़ रहे थे। पर अब मेजर अनवर खान दिगेंद्र सिंह के सामने आ चुका था और उन पर बंदूक तान दी थी। और मैंने जैसे ही गोली फायर करी, मेरी एलएमजी से एक ही गोली फायर हुई, उसने अपनी पिस्टल काटी, दर्द गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी, पैरों में लगी गोली, वो यहाँ कमर के अंदर, और फिर उसकी गोली भी खत्म होगी और उसने मेरे पर डाई मारी। दिगेंद्र के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं था। घायल होने के बावजूद उन्हें एहसास था कि चोटी पर तिरंगा लहराना है तो अनवर खान को मार गिराना होगा। डाई मारते उसका सिर, मेरे सिर पे उसका हाथ और मेरा हाथ उसका टेटुआ में से, उसका एक गड़ा पकड़ के ने अरगुड़ता गुड़ता वो पीछे, आप बोलो हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, आपका कट्टर कट्टर कर रहा है वो घर घर, उसका टेटुआ चित्र दबा लिया, आप बोलो हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मुख्य बरात मारा छोड़ दू तने। उसके बावजूद मैंने अपना वो एकदम झटके से छुटाया, मैंने कमांडो टाइगर जो चक्कू था वो निकाला और मैंने उसको ऐसे मारना चाहा तो उसकी गर्दन पे लगा सीधा ही, तो उसकी गर्दन उठ गई ऐसे पूरा ही पूरी। सवेरा हो चुका था, 13 जून 1999 को सुबह के करीब 4:30 बजे जब तोलोलिंग पर तिरंगा फहराने लगा। नायक दिगेंद्र सिंह तिरंगे को देख देख फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन इस ऑपरेशन में अपने हर एक साथी को खो देने का दर्द उन्हें भीतर तक झंझोर रहा था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि इतने कितने आदमी मारे, लेकिन जब मैं श्रीनगर के हॉस्पिटल में पहुंचा तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे कंधे पर 3 थप्पी मार के कहता है, वारे मेरे बेटे कलयुगी भीम, तने 48 दुश्मनों को मारा है। मैं कहूं हैं 48 को मारा, बोले आप सेंचुरी में 2 की कमी है, अभी तक मेरे बेटे तो नॉट आउट है। बोलो पलट कर देखते हैं तो ये मिशन असंभव था। आज भी दिगेंद्र के शरीर में उन गोलियों के निशान उनकी वीरता के सबूत के तौर पर मौजूद है। उस टाइम पे 5 गोलियां लगी थी, 3 सीने में, 1 हाथ में, 1 कमर में, और कई छोटे मोटे समलेंडर और भी ग्रेनेडों के लगे थे, पत्थरों के कई, मैंने बहुत जगह जगह से मतलब जख्मी हो गया था मैं बुरी तरह से। ले उसके बावजूद भारतीय सेना ने मुझे 2003-04 तक मेरा इलाज चलता रहा, कैटेगरी डाउन होगा, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अनफिट करके घर भेज दिया। देश के लिए यही होता है जवानों का पूर्ण समर्पण, अपनी जवानी, अपना जीवन, सब देश पर कुर्बान। साल में केवल एक दिन नहीं, क्यों ना इन वीरों को हम
प्रतिदिन नमन करें। धन्य है हमारा देश, धन्य है हमारी माटी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।